नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में कौन सा अल्ट्रासाउंड होता है प्रेगनेंसी में, या कुछ लोगों को लगता है जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है मोस्टली उन लोगों को बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है डॉक्टर के पास जाना, या उनको डर लगता है कि किस तरीके का अल्ट्रासाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल होगा प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी हमारी लाइफ में ऐसी जर्नी होती है जिसे हम स्किप नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स स्किप नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर का ट्रीटमेंट स्किप नहीं कर सकते हैं, हमें डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेनी ही पड़ेगी। सो कुछ लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर होता है कि किस तरीके का अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में होता है, TVS होता है या नॉर्मल एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है। आज मैं यहाँ पे अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड हर एक जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ मैं ला सकूँ। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में। जैसे ही आपको पता चलता है आपने कंसीव कर लिया है, चाहे आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, चाहे आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है, चाहे आप 5th वीक में हो, 6th वीक में हो या 7th वीक में हो, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर्स के पास आप डिले कर पाते होंगे, कि क्योंकि 6th वीक में मोस्टली लोगों को टाइम पर पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, बट फिर भी हो सकता है किसी भी कारणवश आप थोड़ा सा डिले हो गए हो, तो 7th वीक में आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपका नॉर्मल एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होगा। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है आपके पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड, आप किसी भी वीक में हो, आपकी कोई भी प्रेगनेंसी है, तो भी वो सिर्फ और सिर्फ एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराएंगी आपका फर्स्ट। उसके बाद अगर डॉक्टर को सेटिस्फिकेशन नहीं मिलती है, सेटिस्फाइड डॉक्टर नहीं होती है, चाहे 5th वीक है चाहे 6th वीक है, अगर आपका 5th वीक चल रहा है और 6th वीक चल रहा है या 7th वीक चल रहा है, आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है, तो ऑलमोस्ट आपको 2 वीक्स का रेस्ट करना पड़ेगा। 2 वीक्स का आप देख लीजिए कि 8 हफ्ते तक नॉर्मली 2 हफ्ते वेट करना पड़ता है। जैसे आप 6वें हफ्ते में जा रहे हो, 6th वीक में जा रहे हो, तो आपको 2 वीक्स के लिए आप डॉक्टर आपको बोल सकती है, बट अगर आप 7th वीक में जा रहे हो तो डॉक्टर आपको नेक्स्ट वीक ही अल्ट्रासाउंड के लिए बुला लेंगी। बट आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होते हैं जो कि पेट के ऊपर से होते हैं, बट आपके बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी है या कोई भी कॉम्प्लिकेशंस लग रहे हैं डॉक्टर को, या आपका बच्चा मतलब अच्छे से नहीं दिख रहा है, ना उसकी मेच्योरिटी पता चल रही है डॉक्टर को नॉर्मल एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में, तब कहीं जाकर डॉक्टर TVS की तरफ जाती है, क्योंकि TVS में हर एक चीज़ डॉक्टर को बहुत ही अच्छे से पता चलता है। एक होता है कि पेट के ऊपर से आपका अल्ट्रासाउंड होता है तो सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छे से मेंशन नहीं हो पाती हैं, कुछ केसेस में, हर एक केसेस में नहीं, 90% केसेस में पहला दूसरा तीसरा अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड ही होते हैं जो कि पेट के ऊपर से होते हैं, बट 10% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें डॉक्टर को सेटिस्फिकेशन नहीं मिलती है। आप खुद सोचिए, एक पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड होगा और एक आपका योनि के द्वारा अल्ट्रासाउंड होगा। TVS ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, ट्रांसवजाइनल स्कैन जिसे बोलते हैं, इसका मतलब होता है योनि के द्वारा आपका अल्ट्रासाउंड। जब आपका योनि के द्वारा अल्ट्रासाउंड होता है तो बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें उसमें कैप्चर की जा सकती हैं और डॉक्टर बहुत ही अच्छे से सेटिस्फाइड हो सकती है आपके अल्ट्रासाउंड्स को लेकर, आपके बेबी को लेकर, आपके मेच्योरिटी को लेकर, आपके LMP को लेकर। तो यही सारी चीज़ें हैं, जब डॉक्टर को सेटिस्फिकेशन नहीं मिलती है तो ही डॉक्टर TVS की तरफ जाती है, अदरवाइज़ आपका एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है जो कि 5वें, 6वें, 7वें हफ्ते कभी भी हो सकता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन होना नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।